हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसीलिए हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी भी यूनिक होती है। बट कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज कॉमन होते हैं जो हर न्यू मदर को फेस करने पड़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका दत्त, आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्थ इश्यूज एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में। मैं खुद ये फेज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये फेज फिजिकली एंड मेंटली एक मदर के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद बॉडी को नॉर्मल स्टेज पे आने में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है एंड इसी वक्त फैमिली एंड पार्टनर के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर आपने या आपकी किसी क्लोज वन ने रिसेंटली बेबी को वेलकम किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक बने रहो एंड हो सके तो इसे शेयर जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड कॉमन इशू है फिटिगनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। पोस्टपार्टम फेज में लेडीज को टायर्डनेस एंड फिटिगनेस होने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि हार्मोनल इंबैलेंसेस। इस वक्त प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन से हार्मोन्स का ड्रॉप हो जाता है, जिस वजह से टायर्डनेस फील होती है, जिससे मूड एंड एनर्जी पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। एंड उसके बाद सबसे दुखदाई चीज तो होती है स्लीप डेप्रिवेशन। इनिशियल स्टेज पर रात को उठकर फ्रीक्वेंट फीड करवाना पड़ता है मदर को, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती एंड इस कॉन्टिन्यूस स्लीप डिसरप्शन की वजह से मदर्स थका हुआ फील करती हैं। इस स्टेज पर इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। मदरहुड के साथ चैलेंजेस एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जिसे मैनेज करना इमोशनली थोड़ा ड्रेनिंग हो सकता है। इससे भी थोड़ा सा मदर थका हुआ महसूस करती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इस वक्त ना आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दूध तो वो पिला लेंगी, एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू काम द बेबी, यू कैन पुट देम टू स्लीप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करो ताकि इस बीच आपका पार्टनर रेस्ट कर सके। एंड रही बात इमोशनल सपोर्ट की, तो भाई जिस टाइम सारी फैमिली बेबी के साथ है, बेबी को खिला रही है, आप अपना मोबाइल छोड़ के अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। उन्हें एहसास दिलाओ कि यू आर विद हर, वो अकेली नहीं है इस जर्नी में। सेकेंड मेजर इशू इज फिजिकल रिकवरी आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, स्पेशली अगर ब्लड लॉस हुआ हो तो। एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन हुआ हो तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। एक महीने तक तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है एंड उसके बाद धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जब झुककर दूध पिलाते हैं, झुककर बेबी की पॉटी साफ करते हैं, तो बैक में बहुत पेन होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी स्टार्ट कर दोगे तो मसल्स जल्दी रिकवर करेंगे एंड बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ट्राई करो जितनी देर भी बेबी सोए आप ये सब कर सको। यू कैन डू एक्सरसाइजेस लाइक कैट काउ, बर्ड डॉग एंड हिप मोबिलिटीज। थर्ड एंड सबसे पेनफुल चीज है ब्रेस्ट फीडिंग वाले प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत कॉमन है। उसमें शामिल है पुअर लैच ऑन, सोर एंड क्रैक निप्पल्स, कभी कभी लो मिल्क सप्लाई या फिर इंगॉर्जमेंट। कभी कभी कुछ लेडीज को तो मेस्टाइटिस हो जाता है, जो कि एक पेनफुल इन्फेक्शन है। इसमें मिल्क डक्ट्स ही ब्लॉक हो जाती हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे भी निप्पल्स सोर एंड क्रैक्ड हो गए थे। एंड कभी कभी तो ब्लड आता था जो बेबी पी जाता था एंड उसके बाद बेबी वॉमिट करता था ब्लड वाली, दैट वॉज हॉरिबल। बट मैंने हार नहीं मानी, डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपना पोस्चर ठीक किया एंड धीरे धीरे मेरे क्रैक निप्पल्स रिकवर हो गए। आप भी ऐसा कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, दादी नानी अगर ये बोल रही हैं कि दूध नहीं आ रहा, ऊपर का दूध पिला दो, तो इस केस में ब्रेस्ट में और ज्यादा मिल्क बढ़ता जाएगा, इंगॉर्जमेंट हो जाएगी, पेन होगा एंड इट कैन अल्टीमेटली लीड टू मेस्टाइटिस। तो भाई ऐसे सुनना बंद करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपना पोस्चर ठीक करो एंड यू कैन बाय ब्रेस्ट फीडिंग पिलो एज वेल। इससे आपका बैक पे सपोर्ट रहेगा एंड आप इजीली बेबी को फीड करवा पाओगे। जब हम झुककर दूध पिलाते हैं तो बेबी के मुंह में सिर्फ निप्पल जाता है, जबकि बेबी के मुंह में पूरा एरियोला जाना चाहिए। एरियोला इज द ब्लैक पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट, जहां से सेंसेशन डेवलप होती है। आपके
ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि आपको दूध पिलाना है बच्चे को। अगर आपकी मिल्क सप्लाई ज्यादा है, दूध ज्यादा बन रहा है, देन यू कैन बाय ब्रेस्ट पंप्स एज वेल। आप बच्चे को दूध निकाल कर पिला सकते हो। देखो, प्रॉपर गाइडेंस एंड लैक्टेशन सपोर्ट से सारी प्रॉब्लम्स मैनेज हो सकती हैं। इन सब के बाद तीसरे महीने के बाद स्टार्ट होता है हेयर फॉल। जिनके सर पे पहले से ही कम बाल होते हैं उन्हें तो लगता है कि हम गंजे ही हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से दिस इज टेम्परेरी। इस वक्त आपको अपनी डाइट में बायोटिन रिच फूड ऐड करने चाहिए, जैसे कि स्पिनेच, हरी पत्तेदार सब्जियां, आपको वॉलनट्स खाने चाहिए, आपको सारे प्रकार की दालें लेनी चाहिए। एंड एक बात और मैं आपको समझाऊंगी, जापे में 40 दिन तक घर वाले जो खिलाए चुपचाप खा लेना चाहिए। एक रिक्वेस्ट आप छोटी सी कर सकते हो अपने घर वालों से, जो आपके लिए गूंद की पिनिया या लड्डू उन लोगों ने बनाए हैं उसमें आप थोड़ा मीठा कम करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपको अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, आपको अपना वाटर इंटेक एडिक्वेट रखना है, क्योंकि अगर आपका वाटर इंटेक कम होगा तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी इफेक्ट होगी। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर्स ने सप्लीमेंट्स दिए हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, तो आप वो जरूर लेना, क्योंकि ये रिकवरी प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इश्यू जो मेरी लिस्ट में है वो है कॉन्स्टिपेशन। दैट इज अगेन बहुत ही दुखदायी चीज है। कई बार तो मदर्स को साल भर तक स्टूल सॉफ्टनर्स लेने पड़ते हैं क्योंकि पॉटी बहुत ज्यादा हार्ड आती है। इसका रीजन होता है प्रेगनेंसी के बाद होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है एंड स्टूल रेक्टम में पड़ा पड़ा हार्ड हो जाता है। एंड अगर आपका सी सेक्शन हुआ हो तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि फाइबर बाउल मूवमेंट को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, जितना हो सके फ्लूइड लेना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज में वॉकिंग स्टार्ट करनी है, इससे आपका बाउल मूवमेंट प्रमोट होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गट की मूवमेंट थोड़ी सी पहले से बेटर होगी, तो कॉन्स्टिपेशन में आपको आराम मिलेगा। बट फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप डॉक्टर्स की सलाह से स्टूल सॉफ्टनर लंबे टाइम तक ले सकते हैं। एंड फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो यू कैन रिक्वेस्ट योर डॉक्टर टू ऐड अ मेडिकेशन जो कि आपकी गट की मूवमेंट को फास्ट करे। तो ओवरऑल इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इफेक्टिवली अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। पोस्टपार्टम रिकवरी भी एक जर्नी है, तो अपनी बॉडी को टाइम दे एंड प्यार दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।